नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है हिकविजन DVR को जियोफाई से ऑनलाइन मोबाइल पर कैसे देखें। DVR को ऑनलाइन करने के लिए हमें एक राउटर जो कि हम टेंडा का लिए हुए हैं और एक जियोफाई जो कि जियो कंपनी का है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जियोफाई जो कि अपना नेटवर्क राउटर के द्वारा DVR को एक्सेस करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए होता है। इसके लिए हम सबसे पहले मीनू में जाएंगे, पैटर्न लॉक ऑन कर कॉन्फ़िगरेशन में ओके करेंगे, नेटवर्क पर जाकर प्लेटफॉर्म एक्सेस ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा DVR ऑनलाइन है कि नहीं है। ऑनलाइन है क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ, इसलिए ऑनलाइन बतला रहा है। जो पहली बार करते हैं ऑफलाइन लिखा होता है, यहाँ पर जाकर ओके करें। अगर किसी कारणों से नहीं आता तो अपन जनरल में जाके इनेबल DHCP पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, जिससे कि IP एड्रेस सर्च कर लेता है, फिर जाकर अपन ऑनलाइन चेक कर लेंगे। ओके कर बाहर निकल जाएंगे अपन। बस छोटी सी प्रोसेस होती है, हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है, जियोफाई पर पूरे नेटवर्क आ रहे हैं, टावर, नेटवर्क, बैटरी, हमारा राउटर जो कि डबल एंटीना टेंडा का है एक्सेस हो चुका है, लाइट ब्लिंक कर रही हैं जिससे नेटवर्क चल रहा है, और DVR में ब्लू लाइट का मतलब होता है इंटरनेट एक्सेस ओके। अब इसके पश्चात अपन मोबाइल पर जाएंगे, एप्स अपना ओपन करेंगे, हिक कनेक्ट नाम से एप्स होता है, अपने मैंने लॉगिन आईडी पहले से बना चुकी है, लॉगिन करेंगे एप्स के अंदर। मैं लॉगिन हो चुका हूँ, जो प्लस का निशान है साइड पे, इसे टच करने के बाद स्कैन QR कोड करते हैं जो कि DVR के स्क्रीन में जाकर किया जा सकता है, जिससे सीरियल नंबर DVR का मोबाइल में एक्सेस हो जाता है, जिससे मोबाइल पर आपका वीडियो DVR चलने लगेगा। इसके लिए अपन को स्कैन करने के लिए QR पर कोड करेंगे, फिर मॉनिटर पे जाएंगे, वही नेटवर्क पर जाएंगे, प्लेटफॉर्म एक्सेस पे जाने के बाद बार QR कोड होता है उसको स्कैन कर लेंगे वापस जाकर। जैसे ही अपन QR कोड स्कैन करते हैं, हमारे मोबाइल पे DVR का सीरियल नंबर आ जाता है और उसे क्लिक करके ओके करने के बाद हम मोबाइल पर अपनी वीडियो DVR देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो DVR जो कि मोबाइल पर एक्सेस हो चुका है। ये लाइव वीडियो अपन कहीं से भी देख सकते हैं मोबाइल पर। धन्यवाद दोस्तों, बस यही छोटी सी प्रोसेस है जिससे हम DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। लॉग आउट कर बाहर आ जाएंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।